Hello friends, subscribe to my channel High Skills and also press on the bell icon to watch my latest informative videos. Hello friends, welcome to my channel High Skills. Friends, आज का जो टॉपिक है वो वर्नियर कैलिपर के ऊपर है कि वर्नियर कैलिपर क्या है, इसके पार्ट्स क्या-क्या होते हैं, इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वर्नियर कैलिपर को कैसे रीड किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ लीनियर मेजरमेंट में किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर की इन्वेंशन जो है पैरी वर्नियर ने की थी। अगर इसके पार्ट्स देखे जाएं तो लोअर जार्स आते हैं जो आउटसाइड मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, अपर जार्स आते हैं जो इनसाइड मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, लॉक स्क्रू आता है जो कि स्लाइड की लॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, थंब स्क्रू आता है जो स्लाइड की मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, डेप्थ रोड आती है जो कि डेप्थ की मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल आते हैं। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ऊपर दो फर्दर स्केल्स होते हैं जो इंचेस और एमएम में होते हैं। हम एमएम वाले वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे वर्नियर कैलिपर्स आते हैं और अलग अलग लीस्ट काउंट होते हैं उनके, तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो 0.02 एमएम वाले लीस्ट काउंट वाले वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कस करेंगे। लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है जिसको इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम काउंट कर सकता है। तो लीस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर है 0.02 mm का, उसकी मेन स्केल की जो डिवीज़न है वो 1 mm होती है और वर्नियर स्केल की डिवीज़न जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहाँ पर कैलकुलेट की गई है 49 को 50 के साथ डिवाइड करके 0.98 mm। ये 0.98 mm कैसे कैलकुलेट की गई है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है, तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर 50 डिवीजन्स हैं। तो 50 डिवीजन्स कैसे आएंगे, ये 0 से 1 तक अगर देखा जाए तो 5 डिवीजन्स हैं। अगर इन्हीं 5 डिवीजन्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 50 डिवीजन्स आ जाएंगी। अगर इन 50 डिवीजन्स को अगर हमने एक्चुअल वैल्यू को अगर हमने डिटरमाइन करना है तो हम मेन स्केल के साथ कंपेयर करके देखेंगे। अगर मेन स्केल के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो 49 होगी, क्योंकि ये 49 के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इसलिए हम इसको 49 को 50 के साथ डिवाइड कर देते हैं और 49 को 50 के साथ डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है 0.98 mm होती है। तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 - 0.98, तो हमारा लीस्ट काउंट जो है वो 0.02 mm आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है वर्नियर कैलिपर को कैसे रीड किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर को रीड करना काफ़ी इजी है। करना क्या है, यहाँ पे वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो वाली लाइन है हमने देखनी है कि मेन स्केल की ज़ीरो वाली लाइन के आगे कहाँ मैच कर रही है। तो यहाँ पर ये 6 के आगे मैच कर रही है, लेकिन 6 के आगे कितनी वैल्यू तक मैच कर रही है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने वर्नियर स्केल की ज़ीरो की लाइन के आगे वाली लाइंस में देखना है कि कौन सी लाइन जो है मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे 6 वाली लाइन जो है मेन स्केल के साथ मैच कर रही है, तो यहाँ पे 6 वाली लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0.6 mm आ जाएगा। तो जो 6 mm है और 0.6 mm है दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 6.6 mm आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।